1000 को देख के वो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, उनमें अपना ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। सुन रहे हैं, इसीलिए कोई भी लोन ऐप को डाउनलोड नहीं कर रहा है। ज्यादा साइबर क्राइम चल रहे हैं, अपने पास स्मार्टफोन आके है, स्मार्टफोन आके अपने जो भी मालूम होता नहीं मालूम होता, जो भी मैसेज आ जाता, कुछ लिंक आ जाता, अपन क्या कर दे रहे हैं, उसको क्लिक कर दे रहे हैं। आजकल क्या है, साइबर क्राइम बोलने का ज़्यादा हो गया, और ये जो भी है OTP फ्रॉड्स हो रहे हैं और लोन ऐप फ्रॉड्स हो रहे हैं। अपने जो लोग हैं क्या है, ये लोग लोन ऐप बोल के एक ऐप है, उसमें क्या है, जो आप जितना भी पैसा पूछते हम लोग बाकी के हिसाब में दे देते बोल के वो लोन ऐप को डाउनलोड कराने के लिए मजबूर कर देते। ये जो नॉर्मल पीपल है ये लोग क्या करते, उसमें लोन ऐप में पैसे ले लिए जाओ बोल के 5000 2000 3000 ऐसा बोल के उसमें लोन ले लेते। ले लेने के बाद क्या करता, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या रहता, इसका जो भी मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स रहते, गैलरी रहता, वो पूरे एक्सेस ले लेके जब ये लोग पैसे वापस भरने पर भी एक्स्ट्रा अमाउंट देने के लिए डिमांड करते हुए, जब ये लोग एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देते ना तो क्या करते, ये जो फोटोज रहते हैं ये फोटोज़ को मार्फिंग कर दे के ये लोग ब्लैकमेल करना शुरू कर देते। मार्फिंग कर दे के जो भी लेडीज़ रहते हैं उनके लेडीज़ के फ़ोटोज़ को नूड पिक्स पे मार्फिंग लगा दे के, अगर आप अमाउंट नहीं दिए तो आपके जो भी रिलेटिव्स है, आपके जो फ्रेंड्स है, ये सब लोगों में सर्कुलेट कर देते बोल के वो लोगों को ब्लैकमेल करने का आजकल का ट्रेंड है, ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा। तो अपने रेन बाजार पुलिस स्टेशन के तरफ से हम लोगों की एक गुजारिश है कि अगर कोई भी लोन ऐप की कोई भी लिंक आ गई या फिर कोई भी OTP बोले बोल के कुछ भी लिंक्स होने दो, अगर कुछ भी आके है तो फौरन उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। क्या है बोले तो अपन जो भी OTP बोल देते, जितना भी अमाउंट अपने अकाउंट में रहता ना वो फौरन क्या होता, कट हो जाता, और क्या है वो वापस आने के चांसेस बहुत कम रहते। 99% केसेस में क्या है, जो अमाउंट चले जाने पर 24 आवर्स के बाद अपन रियलाइज़ होके क्या करते, वो कंप्लेंट देने के लिए आ जाते। तो क्या है, जब तक वो अमाउंट ट्रांजैक्शन हो जाता, अगर कोई भी गफलत से ऐसा OTP बोल दिए, कोई भी लिंक को क्लिक कर दिए, कुछ भी मैसेज आ गए उनके मोबाइल पे ऐसा अमाउंट कट हुआ बोल के, फ़ौरन 1930 ये साइबर पोर्टल का नंबर है, ये 1930 नंबर पे फ़ोन लगा दे के कंप्लेंट रेज कर देने से विद इन 24 आवर्स में अगर अपन ये 1930 को कुछ भी कंप्लेंट रेज कर देते तो अपना अमाउंट जो भी कट हो के है वो होल्ड होने के चांसेस रहते। तो क्या है, पब्लिक को हमारे जो रेन बाजार पुलिस स्टेशन के तरफ से जो एडवाइस है क्या है बोले तो, आप अलर्ट रहना चाहिए, कोई भी जो लिंक्स अननोन लिंक्स आते हैं उसको क्लिक नहीं करना, और जो भी OTP के बताओ बोल के कोई भी बैंक से फ़ोन करके है, कोई भी पेटीएम से बात करके है, गूगल पे से हम लोग बात कर रहे हैं, आपका जो OTP बताइए बोल के अगर कोई भी पूछे तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए, कोई भी अपना OTP शेयर नहीं करना बस। ज़्यादा साइबर क्राइम चल रहे हैं, अपने पास स्मार्टफोन आके अपने जो भी मालूम होता नहीं मालूम होता, जो भी मैसेज आ जाता, कुछ लिंक आ जाता, अपन क्या कर दे रहे हैं, उसको क्लिक कर दे रहे हैं। क्लिक करने से क्या हो रहा, अपने अकाउंट में से जो भी पैसे हैं गायब हो जाते हैं, अपने मालूम भी नहीं पड़ता। अब जब अपन जाके अपने अकाउंट में से पैसे निकालेंगे बोल के जाके अपने ATM लगा देते तो क्या बोल के बताता, उसमें 0 बैलेंस बोल के बता देता। तो अपने बगैर अपने नॉलेज के क्या होता, अपने अकाउंट में से अमाउंट जो है चला जाता है, किसी है तो साइबर क्राइम है। तो इंसान कहीं पे भी रहता वहाँ पे बैठ कर ऑपरेट करता रहता, अपने जो मोबाइल था उसके लिंक भेजाता, आपको लॉटरी में 5 लाख रुपए लग गए, नहीं तो आपकी एक आड़ी कार लग गई, आपको जो लकी ड्रॉप है उसमें iPhone लग गया बोल के कुछ मैसेज डाल देता। अपन क्या सोचते, अरे भाई मेरे को मैसेज आ गया 5 करोड़ रुपए आ गए मेरे को बोल के फौरन क्लिक कर देते। उसको क्लिक करने से क्या होता, ट्रांजेक्शन अमाउंट आता भाई फाइल $10,000 बोलता, अपन उसका ना इसके ना मन के $10,000 डाल देते और $10,000 बोलता, फिर भी वो भी डाल देते। उन क्या है उसका पैसे थोड़े थोड़े पैसे पूछ के ज़्यादा अमाउंट तक आ जाए, मालूम हो जाता क्या बोल के ये कुछ फ्रॉड चल रहा बोल के। लेकिन जब आप होशियार हो जाते ना, जब तक अपना पैसा पूरा गायब हो जाता, पुलिस स्टेशन आने पर भी क्या होता, रेयर केसेस में जो अमाउंट जाकर रहता ना वो वापस आता, ज़्यादा से ज़्यादा 99% जो अमाउंट जाता ना वो ऊपर चले जाता, फिर वापस नहीं आता। इसीलिए क्या है, अगर कोई भी अननोन नंबर से अपने को थ्रू व्हाट्सएप, ये ज़्यादा व्हाट्सएप के जरिए से होता, व्हाट्सएप में मैसेज आया था, एक लिंक दे देता, और क्या है लोन
आप बोल देख रहे थे लोन आपने आप लोग आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको जितना भी अमाउंट चाहिए हम लोग लोन दे देते बोल के बोलते। अब उन क्या सोचते, अरे जान दे रहे भाई भरने का कौन है, आए तो 5,000 तो ब्याज ना बोल के ऐप डाउनलोड कर लेते, चलो 5,000 दे दो 10,000 दे दो बोल के लोन ले लेते। उन क्या करता पूरे परमिशन पूछता, बस जो अपना मोबाइल है पूरे एक्सेस पूरे ले लेता, जो अपनी गैलरी रहती अपने फोटोज रहते। अपनी लड़की को दीजिए खुशियों का तोहफा, चले आइए गुड चॉइस फर्नीचर जहां मकसद के फर्नीचर दस्तियाब है। बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल और इसके अलावा आपकी लड़की के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 50,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और कूलर बिल्कुल फ्री, और 69,999 रुपए में मुकम्मल फर्नीचर के साथ डबल डोर अलमारी और मैट्रेस बिल्कुल फ्री। आज ही तशरीफ लाएं, प्रोप्राइटर शेख खालिद, हमारा एड्रेस है वट्टापल्ली औरंगड्डा रोड नियर महमूदा होटल। तो देख इस बात की अभी कांटेक्ट करें 8655070751 या फिर 9700422320।